बील रशीद के नाम से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मारूफ सहाफी तज़ियाकार और कालम नवीस हामिद मीर की जियो और जंग ग्रुप से 17 साल की रफाकत खत्म हो गई है। मारूफ सहाफी हामिद मीर GNN ग्रुप से बतौर सदर मुंसलिक हो गए हैं। मारूफ सहाफी ने जियो और जंग ग्रुप छोड़ दिया है। हामिद मीर ने जियो न्यूज़ को 2002 में ज्वाइन किया था और तब से हामिद मीर जियो न्यूज़ पर कैपिटल टॉक के नाम से प्रोग्राम कर रहे थे। कैपिटल टॉक को पाकिस्तान का मकबूल तरीन प्रोग्राम समझा जाता है जो रोजाना 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाता है। आज सारा दिन सोशल मीडिया पर सीनियर सहाफी हामिद मीर की बहुत सी तस्वीर सामने आई हैं, लेकिन अभी तक हामिद मीर की जानिब से कोई वजाहती बयान सामने नहीं आया। पाकिस्तानी मीडिया में GNN ग्रुप एक नया इजाफा है जिसमें हामिद मीर जैसे सीनियर सहाफी की शमूलियत इसके लिए तरक्की का बायस बनेगी। मारूफ सहाफी हामिद मीर की जियो ग्रुप छोड़ने के साथ साथ वहाँ से दीगर सहाफियों के छोड़ने की भी इत्तलात हैं। वाज़ेह रहे कि सहाफी सुलेमान हसन ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर मारूफ सहाफी हामिद मीर को खुश आमदीद कहते हुए लिखा कि मीर साहब ने बतौर सदर जी न्यूज नेटवर्क ज्वाइन कर लिया है। GNN पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में एक नया इजाफा है। GNN गोरमे ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है जिसने लॉन्चिंग से पहले ही मीडिया इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। हामिद मीर से पहले दुनिया न्यूज के सीनियर तरीन एंकर पर्सन सुलेमान हसन और शहजाद हसन भी GNN को ज्वाइन कर चुके हैं। याद रहे कि हामिद मीर का शुमार पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफियों में होता है। हामिद मीर कैपिटल टॉक प्रोग्राम करने के साथ साथ रोजनामा जंग में कलम कमान के नाम से एक कालम भी लिखते थे। हामिद मीर पाकिस्तान के वाहिद सहाफी हैं जिनको 2 बार उसामा बिन लादेन के इंटरव्यू करने का एजाज हासिल है। हामिद मीर को उनकी सहाफती खिदमात पर मुतद्दद अवार्ड से भी नवाजा गया। हामिद मीर सीनियर सहाफी वारिस मीर के साहबजादे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। बील रशीद के नाम से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।